खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां सरकार नारी सशक्त प्रदेश बनाने को लेकर मिशन शक्ति द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं, साथ साथ महिला की समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व जागरूक चौपाल लगाकर महिला जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। ये सुनवाई महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में की गई। इस जनसुनवाई के दौरान महिलाओं की समस्याओं का निपटारा करते हुए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने अधीनस्थों के पेच कसे हैं। जनसुनवाई के दौरान एक महिला रीना गुप्ता ने अपने पति अमर गुप्ता और ससुर विनोद कुमार गुप्ता की करतूत बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महिला का आरोप था, मेरा पति और ससुर होटल इंद्रप्रस्थ चलाते हैं, जिसमें बाहर से लड़कियां बुलाकर कस्टमरों से उनके साथ अनैतिक कार्य कराते हैं, जबकि मेरा पति अनैतिक कार्य करने के लिए मुझ पर भी दबाव बना रहा था। मैंने जब इसका विरोध किया तो मेरे पति और ससुर ने मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे घर से निकाल दिया। इसकी शिकायत मैंने पुलिस थाने में की तो स्थानीय पुलिस ने भी मुझे थाने से भगा दिया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने मवाना के होटल इंद्रप्रस्थ को सीज करने के आदेश देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। रीना गुप्ता है, मैं मवाने भी आई हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरे साथ 2 साल पहले चल रही है, परेशानी चल रही है। मेरे पति हैं गलत, जो इनका होटल है इंद्रप्रस्थ के नाम से मवाने में, जिसमें ये रहा है गलत, जो मेरे पास चैट भी है मैंने सारी अभी यहाँ पर दी भी है। पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से, इन लोगों ने मार धंधा चल रहा है। आपको क्या कहते हैं, क्या लड़की सप्लाई कर मैम? ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं। अच्छा, होटल के अंदर? जी हाँ। आपने किस पति और ससुर? पति क्या नाम है आपके पति का? अमर गुप्ता, ससुर का नाम विनोद गुप्ता, होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से। आपसे क्या शिकायत है आपको? मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी होटल के अंदर, नहीं घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी, मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है। मैडम ने अब इनको तीरथ पाल सर हैं उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने सब चीज़ें देखी हैं फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने पैसा खा रखा है मवाने की पुलिस ने, वे लोग खुलता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।